नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और आज हम आपको बताएंगे वेदर रिपोर्ट पहाड़ों की और सिलीगुड़ी की। तो जैसा कि हमने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश की संभावना थी और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, 7 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक। तो सबसे पहले चलते हैं बिजनबारी के तरफ। देखिए, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुकी है और लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्तों के बुरे हाल हुए पड़े हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे कालिम्पोंग की तरफ और दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है इस भारी बारिश की वजह से। और आप देख सकते हैं कि बिजनबारी की ही तरह कालिम्पोंग में भी लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सड़कें बंद पड़ी हुई हैं और इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं सिलीगुड़ी के तरफ और हम सिलीगुड़ी में आपको काफ़ी विभिन्न जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे कि बारिश की वजह से वहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। तो सबसे पहले चलते हैं महानंदा नदी के तरफ और ये तस्वीरें आप देख रही हैं, ये लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारी बारिश की वजह से क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। जो पानी का लेवल है वो कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है और जो स्रोत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अब हम आपको ले चलते हैं हैदरपारा की तरफ। हैदरपारा एक डाउन एरिया में है जिस वजह से कि थोड़ी सी बारिश होने की वजह से जो नाले का पानी है और बारिश का पानी वो साथ में मिल जाता है और कई बार तो घुटनों के ऊपर तक भी आ जाते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पानी घुटनों के नीचे तक आ चुके हैं और ये साल की बात नहीं है, ऐसा हर साल देखा जाता है। और यहाँ के जो निवासी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए इस मानसून सीज़न में। और अब हम आपको दिखाते हैं बाईपास रोड की तस्वीरें और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी बारिश के वजह से जो सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं, गड्ढे बन चुके हैं और उसमें पानी जम चुका है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लोग तो इसे स्विमिंग पूल भी बोल रहे हैं। और इस बारिश में ये जो गड्ढे इस बारिश की वजह से हो चुके हैं, यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्कफुल हो चुका है, कभी भी कोई भी दुर्घटना घटने की भी संभावना है। और अब हम आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी के विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट्स की सिचुएशन इस बारिश में। तो आप देख सकते हैं कि इस बारिश के मौसम में भी लोग कैसे अपने कामों पे जा रहे हैं और चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है ट्रैफिक पॉइंट्स की। और ये जो आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं ये है एयरव्यू मोड़ की तस्वीरें।
और ये जो आप तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वेनिस मोड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।